जी किस तरह से बचपन से कैसे आर्मी में ज्वाइन किया, एयरफोर्स में कैसे आगे बढ़े, क्या कहना चाहिए? हम लोग ग्वालियर में रहते थे, मेरे साथ बहुत रहा है मुझे जो है, तो मैं उसको साइकिल से भी ले जाता था स्कूल, स्कूल छोड़ के आता था, लेके भी आता था मुझे जो है। तो उसके बाद दिमाग का बहुत तेज था मुझे जो है, अच्छा पढ़ने वाला था। उसके बाद मुझे जो है रीवा में उसका एडमिशन हो गया, रीवा के सैनिक स्कूल में। हाँ, और उसके बाद एनडीए में सिलेक्ट हुए और फिर एयरफोर्स। जी जी जी, एनडीए से मुझे जो है। आपको कब सूचना मिली कि इस घटना में आपके भांजे शहीद हो गए? कल शाम की बात है, 5:30 बजे की, 6 बजे की बात होगी, तब सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे ख़त्म हो गए। हमारे साले हैं अलीगढ़ में, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो फिर मैं यहाँ आया, मुझे जो है देखा तो सच्चा। 4 बहनें, अकेले भाई? जी जी, 4 बहनें अकेले भाई थे जी। पिताजी भी का बड़ा बेकरी का कारोबार है आगरा में, बीटा ब्रेड के कारोबारी के नाम से मशहूर रहे हैं। हाँ, बीटा ब्रेड के निर्माता रहे जी, वो काफ़ी पुराना कार्य है इनका, मुझे जो है करीब करीब 60-70 साल हो गई है बीटा ब्रेड में, और अच्छा काम रहा है इनका। आपने अपने भांजे को देश पर न्यौछावर कर दिया, क्या लग रहा है, ये किस तरह से आप देखते हैं, कोई घटना है या कोई साजिश है, क्या आपको लगता है? हालांकि इस पर भारत सरकार उच्च स्तरीय जांच अब कराएगी, लेकिन आपको क्या लगता है एक परिवारीजन होने के नाते? हमें ऐसा लगता है कोई ना कोई साजिश जरूर है इसके अंदर। अब कैसी साजिश है ये तो भाई सरकार जो है अपने हिसाब से जाँच करेगी, और जाँच करने के बाद उसका जैसा भी होगा वैसा बताएंगे वो। लेकिन सबसे बड़ी दुखित बात यह है कि सरकार ने या किसी ने भी मतलब जो अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी। आज राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं सदन में देश को संबोधित करेंगे, सदन के जरिए अपना बयान देंगे, क्या लग रहा है आपको उस पर? तो उसके बाद तो भरोसा आप पर होगा? भरोसा तो पूरा है, सरकार के ही नौछावर तो था, सरकार के ही उसमें मतलब जो है बच्चा जो है सर्विस कर ही रहा था मुझे जो है, बिल्कुल कोई ये तो दोहरा की बात है ही नहीं, मतलब संशय करना तो गलत बात है मुझे। आपको लग रहा है कि जो भी होगा वो सही होगा? आपसे और भी बात करते, आपके रिले क्या पृथ्वी सिंह आपका भांजे, आपके भांजे थे, किस तरह से लग रहा है? एक बहुत बड़ी शहादत उन्होंने दी है। हमें तो अब कुछ भी ना लग रहा, मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई है, काफी देर में यहाँ बैठा रहा हूँ, मुझसे बात हुई है कि बताओ मामा हम क्या कर रहे हो, मैंने कहा प्लॉट ले लिया, मैंने कहा उसको बनाएंगे हम, तो उन्हें कोई बहुत अच्छी बात है मुझे जो है, तो उन्हें पराठे खाने का बड़ा शौक था मुझे, क्योंकि पराठे मैं खुद बनाता था और खुद खिलाता था। मैं आप अच्छा। जी हाँ, खाने पीने के शौकीन थे, बहुत जाबाज पायलट रहे हैं और बहुत शानदार, कई जगह उनकी पोस्टिंग रही है, और कई जगह अभी सहारनपुर से ही तो पोस्टिंग होके गई है उनकी। नूरा? जी जी जी, उसमें प्रमोशन हुई इनकी, कमांडर? जी जी, विंग कमांडर हो गए। हैदराबाद से शुरुआत हुई है, फिर गोरखपुर से लेके गुवाहाटी और तमाम शहरों में उनकी पोस्टिंग, बहुत जगह पोस्टिंग रही है मुझे जो है, और अभी तो बहुत आगे बढ़ते समय आया था मुझे जो है बढ़ने का, लेकिन प्रभु की कृपा है। चार बहनें कहाँ कहाँ रहती हैं आपकी जो भांजियाँ? एक तो बम्बई रहती हैं, शकुंतला जी, जी जी, और एक यहाँ आगरा में रहती हैं, एक गाजियाबाद में है, और एक हाथस में है, लेकिन वो टीचर हैं बंदाऊ में, अध्यापक हैं वो, तो इस समय वो वहीं हैं बंदाऊ में, आज आएंगे वो। कर्तव्य की बलिवेदी पर नौछावर हो गए? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए नौछावर हो गए। सभी ने दुख व्यक्त किया, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति से लेके पूरे हर दल के लोगों ने, पूरा देश आपके परिवार के साथ, सभी ने दुख तो व्यक्त किया ही है।
और इससे बड़ी दुखद घटना हो भी क्या सकती है। बिल्कुल 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 नितिन, इससे ज्यादा दुखद घटना क्या हो सकती है कि जांबाज पायलट को देश खोया है और इस परिवार ने खोया है। और